वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-37 और एथिकल इश्यूज इन फाइनेंस रिपोर्टिंग पर एक कंबाइंड क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम का स्प्रिंग 2020 के अटेम्प्ट से, जिसका टाइटल है हॉट कॉफी लिमिटेड। इसको डिस्कस और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि आतिफ अनवर एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट इज फाइनेंस मैनेजर एट हॉट कॉफी लिमिटेड SCL एंड रिपोर्ट्स टू जमाल अहमद हु इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट फेलो मेंबर हु इज द CFO। तो फाइनेंस मैनेजर एंड CFO। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स आतिफ नोटेड द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 हैव बीन प्रिपेयर्ड। ही फाउंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर द रिविजन इन डी कमिशनिंग कॉस्ट रिलेटेड टू अ प्लांट एज एडवाइज बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ 2019। आतिफ डिस्कस द मैटर विद जमाल हु एडवाइज हिम टू फाइनलाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट रिवाइज द डी कमिशनिंग कॉस्ट एज HCL प्रॉफिट वुड बी डिक्रीज इफ रिवाइज कॉस्ट वुड बी टेकन इन टू अकाउंट। तो ये तो क्लियरली अनएथिकल प्रैक्टिस है, और क्योंकि बायस के बगैर होना चाहिए और जस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करके प्रॉफिट्स को जो है ज़्यादा शो करना, ये इंटेग्रिटी के भी अगेंस्ट और प्रोफेशनल बिहेवियर के भी। डी कमिशनिंग कॉस्ट रिलेटेड टू प्लांट हैज इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल एस्टिमेट ऑफ ₹50 मिलियन टू ₹88 मिलियन, यानी 38 मिलियन का इजाफा है और स्टार्ट ऑफ 2019 पर है। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 12%, तो प्रेजेंट वैल्यू लेंगे इसकी। दिस प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 ईयर एंड इट वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017। अच्छा, 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट ऑफ 2019 तक आते हैं तो ये 1.5 ईयर्स बनता है। तो रिमेनिंग लाइफ 4.5 ईयर है। तो एट अ परचेज प्राइस ऑफ ₹860 मिलियन, ये तो उसकी इनिशियल कॉस्ट हो गई जिसपे वो मैयर हो रहा होगा। HCL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मैयरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये इसकी कैलकुलेशन आसान है कि जितने से हमारी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स बनेंगी उतने से हमारी प्रोविजन की लाइबिलिटी बढ़ेगी और सेम अमाउंट से हम प्लांट का एसेट बढ़ा देंगे। तो एंड फॉलो स्ट्रेट लाइन मैथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो ऑब्वियसली क्योंकि एसेट की अमाउंट बढ़ेगी तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? दो रिक्वायरमेंट हैं। पहली रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन से रिलेटेड है और दूसरी एथिक्स से रिलेटेड है। पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं। कंप्यूट द चेंज इन नेट प्रॉफिट एसेट्स एंड लाइबिलिटी इफ रिवाइज डी कमिशनिंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। के कितने से चेंज हो जाएगा नेट प्रॉफिट, कितने से एसेट चेंज हो जाएंगे, कितने से लाइबिलिटीज चेंज हो जाएंगी, ये हमें रिफ्लेक्ट करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि 38 मिलियन से इंक्रीज हो रहा है, 4.5 ईयर्स का रिमेनिंग टाइम है, उसमें से एक साल ये करंट ईयर का गुजरा है, 12% का रेट है जिससे प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। तो इसकी बेस पर जो है पार्ट ए के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फॉर्मेट बना लेते हैं कि एसेट लाइबिलिटीज और नेट प्रॉफिट में हमने चेंज कैलकुलेट करना है। सो पहला हमारा स्टेप होगा इंक्रीज इन प्रोविजन को कंसीडर करना। तो प्रोविजन इंक्रीज होगी 38 से 88 और 50 का जो डिफरेंस है, 12% के इंटरेस्ट रेट पे 4.5 ईयर्स का टाइम है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे जो 22.82 आती है, और इतने से हमारे पास एसेट भी बढ़ जाएगा और प्रोविजन की लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, यानी हम क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग और डेबिट करेंगे एसेट को। तो एसेट में भी इंक्रीज होगा और लाइबिलिटीज में भी इंक्रीज होगा। इस ट्रांजेक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट प्रॉफिट पर कोई नहीं होगा, लेकिन फिर जब आपने एसेट बढ़ाया तो उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी होगी। तो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इस एडिशनल अमाउंट पे रिमेनिंग 4.5 ईयर्स के हिसाब से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, वो बनती है 5.07, और ये नेट प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। फिर जो हमने प्रोविजन की लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है, क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड हुई है, तो हमें जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चेंज का इफेक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस एडिशनल अमाउंट पे, बाकी पे ऑलरेडी हुआ हुआ होगा। तो इस एडिशनल अमाउंट पे 12% इंटरेस्ट जो एक साल का बनेगा वो 2.74 बनेगा, और ये अमाउंट प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी ड्यू टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो नेट चेंज अब हम सिंपली टोटल करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि एसेट में नेट चेंज जो है वो 17.75 का इजाफा हो जाएगा, लाइबिलिटीज में 25.56 का इजाफा हो जाएगा, तो गेयरिंग रेशियो भी बढ़ जाएगी, नेट प्रॉफिट में कमी हो जाएगी 7.81 से।
नेट प्रॉफिट पर वाकई कमी होगी। तो ये कंप्यूटेशन जो क्वेश्चन के पार्ट ए में रिक्वायर्ड थी वो हमारी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। सो पार्ट ए हो गया, अब पार्ट बी देखते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ जमाल मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आई कैप कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि जमाल ने जो है ये कहा है कि विदाउट रिवाइजिंग द डी कमीशनिंग कॉस्ट, तो ये इंटेग्रिटी के भी अगेंस्ट है कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है वो ऑनेस्टी के साथ प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की, और ये प्रोफेशनल बिहेवियर के भी अगेंस्ट है कि जो है लॉ एंड रेगुलेशन जो हैं जिस तरह स्टैंडर्ड हैं इनको जानबूझ के फॉलो ना करना, तो इनके साथ तो कंप्लायंस लाजमी होनी चाहिए, और ये बेसिकली प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करता है इस तरह से IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाना। तो पार्ट बी में हम देख सकते हैं कि जमाल जो है वो दो प्रिंसिपल्स की ब्रीच में है। नंबर वन प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होना चाहिए तमाम प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप में। तो ये जो नज़र आ रहा है वो तो यही है कि जो इन डी कमीशनिंग कॉस्ट को डेफर किया जा रहा है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है विंडो ड्रेसिंग के लिए, उनको बेहतर रिफ्लेक्ट करने के लिए एज एक्चुअली दे आर, उसके लिए किया जा रहा है, मिसलीडिंग है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर भी अफेक्ट हो रहा है क्योंकि रेलिवेंट लॉ और रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो जमाल ने प्रिंसिपल जो है ब्रीच किया है, क्योंकि ये जो डिसीजन है कि जी न्यू डी कमीशनिंग कॉस्ट को ना रिकग्नाइज किया जाए ये IFRS के अकॉर्डेंस नहीं है। सो ये दो प्रिंसिपल्स हैं जो ब्रीच हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।